मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है पिताजी के कारण, तो मेरे खून में पॉलिटिक्स है और सब जनता जानती है कि गुलाब यादव जी का कार्यकाल में झंझारपुर में कितना विकास हुआ है। बेटी उतना ही तन मन धन से जनता का विकास करेगी। युवा हूँ, नया डेवलपमेंट, नया प्रोग्रेस, युवा के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, हेल्थ, सब चीज़ का ध्यान रखेगी ये बेटी। बिहार के नंबर वन चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज गोकुल राज होटल में पहुँचे हैं और सबसे गरिमामय आज वो दिन है, वो घड़ी है जहाँ जिला परिषद अध्यक्ष पद पर एक युवती आज उस पद को ग्रहण की है, जिसमें मधुबनी के हर एक कोने से बधाइयों का तांता आ रहा है। युवा को एक ऐसे पद मिलने जा रही है जहाँ जिम्मेदारियों की झड़ियाँ हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर रहने पर इनको कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलेगी, इन तमाम बातों की जानकारी हम इनसे लेंगे। चूँकि एक युवा कितना सोचते हैं आने वाले समय में मधुबनी की जो रूपरेखा है, विकास की रूपरेखा है, किस प्रकार से बुनने का काम करेगी, तमाम विकास की धाराओं को किस प्रकार से सही रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे, इन तमाम बातों की खंगालने के लिए हम आज गोकुल राज में सबसे पहले मिथिला दस्तक पर आपका धाकर न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। परिचय देंगे? मेरा नाम हुआ बिंदु गुलाब यादव। आज ही मुझे जनता ने मधुबनी जिला का चेयरमैन घोषित किया है। क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा है और युवा के हाथ में ये ताकत, ये शक्ति मिली है आपको। पूरे जिला के जिला परिषदों ने आपको बहुमत से, एक बहुमत होता है, एक भारी बहुमत होता है, तो भारी बहुमत से जब जिताए हैं तो भारी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, तो ऐसे में इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे? जनता जानती है उनकी बेटी कितनी सक्षम है, उनकी सेवा के लिए कितना खड़ा रहेगी हमेशा। मेरा हमेशा से यही मानना है, आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं चाहिए या कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए जनता की सेवा के लिए। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है पिताजी के कारण, तो मेरे खून में पॉलिटिक्स है और सब जनता जानती है कि गुलाब यादव जी का कार्यकाल में झंझारपुर में कितना विकास हुआ है। बेटी उतना ही तन मन धन से जनता का विकास करेगी। युवा हूँ, नया डेवलपमेंट, नया प्रोग्रेस, युवा के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, हेल्थ, सब चीज़ का ध्यान रखेगी ये बेटी। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता इस पद पर आने के बाद जब आप सुशोभित होंगे जाएंगे, तो सबसे पहले कौन सी ऐसी प्राथमिकता है जिस पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे? शिक्षा, क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं MBA पढ़ी लिखी हूँ, इतना बड़ा पद मिला है, आज भी हमारे जिला में शिक्षा बहुत पीछे है, तो मैं चाहूँगी आने वाली पीढ़ी मुझसे भी ज़्यादा शिक्षित हो। शिक्षा पर बहुत बड़ी फोकस इनको होने वाली है, तो आने वाले समय में शिक्षा को मधुबनी के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ाने वाले हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो आप देख सकते हैं बीना देवी जी हैं जो पूर्व में जिला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, आज बधाई देने के लिए यहाँ पहुँची हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ आई हैं। क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी हमारे जितने जिला परिषद हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी आज इस पद पर सौभाग्यवान हुई है। मैं तो बधाइयों का तांता लगा हुआ है और हम आज ज़्यादा नहीं बात करेंगे, डेवलपमेंट जब शुरू इनके हाथों के माध्यम से होगी तब फिर आकर के जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से मधुबनी की दिशाओं को बदलने में अपना फोकस करेंगी। जी, हर एक न्यूज़ चैनल पत्रकार को मैं खुद इनविटेशन देती हूँ, आने वाले 5 सालों में बेझिझक आइए जिला में और काम देखिए और फिर वहाँ का आप न्यूज़ और फोटो पब्लिश कीजिए मीडिया चैनल से, जनता लोग को दिखाइए कि ये बेटी कितना विकास कर रही है। निराशा किसी को हाथ नहीं लगेगी, चाह के भी नहीं हाथ लगेगी। तो ये बेटी का वादा है कि मिथिलांचल की बेटी वादा करके जा रही है कि जिला में जब वो पद पर सुशोभित अपने कलमों से जिला में विकास का जब रूपरेखा तय करेगी और मिथिलांचल में मधुबनी को एक नए सिरे से जिला परिषद के एक नए इतिहास रचने के लिए बिंदु गुलाब यादव जी प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में इसे खंगालने के लिए हम लोग निश्चित रूप से इनसे भेंट करते रहेंगे। साथ में हमारे मिथिला दस्तक की धाकर न्यूज़ को आप पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और श्रीमती बिंदु गुलाब जी के माध्यम से जो उन्होंने संदेश दी है इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मधुबनी।